अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम खिजर है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूनी ट्रैवल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल 0% है और ये एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूरोप या यूएसए या यूके वगैरह जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन वहां जाने के बजाय आप न्यूजीलैंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, दूसरा ये एक पुरअमन कंट्री है और दुनिया से अलग थलग एक खूबसूरत मुल्क है। और इसकी बेस पर आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं और यहाँ के लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज भी इंग्लिश ही बोली जाती है, लिहाजा लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप यूरोप का कोई कंट्री चूज करते हैं तो वहां पे आपको लैंग्वेज बैरियर देखना पड़ता है, लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा कोई इशू नहीं है। खैर, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदे और भी हैं, लेकिन ये कि अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। असल टॉपिक हमारा ये है कि हम कैसे अपना वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का वर्क वीजा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक तगड़ा सा कवर लेटर होना चाहिए और एक तगड़ी सी सीवी होनी चाहिए। आज जो मैं साइट आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूजीलैंड की, वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की साइट है और इस साइट पर जाकर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम और मसले की बात नहीं होगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो लिहाजा यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई स्कैम या कोई फ्रॉड देखने को नहीं मिलेगा। आप आसानी से अप्लाई करें और अगर आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो भी आपके पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर आपसे इन केस किसी किस्म का कोई भी मुतालबा किया जाता है कि आप इतने पैसे जमा करा दें, तो वो भी कोई फेक सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट ही है, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट जरूर है, लेकिन ये कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और उन कंपनीज ने अपनी जॉब्स यहाँ पर पोस्ट की होती हैं। हो सकता है कि कंपनी कोई गलती कर ले या उनकी तरफ से कोई स्कैम वगैरह हो जाए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कोई स्कैम वगैरह हो जाता है किसी कंपनी की तरफ से तो बाद में वो तो आपको रिकवर हो ही जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनीज ही अपने जॉब्स एड लगाती हैं। एनीवेज, तो जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर के ऊपर मैं तफसीली वीडियोस अलग अलग बना चुका हूँ, वो दोनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी कि आपने अपना कवर लेटर कैसे तैयार करना है और सीवी कैसे तैयार करनी है। दूसरा ये कि जो मैंने साइट आपको दी है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस साइट पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड की सीवी बनाने का भी ऑप्शन मिलता है, तो लिहाजा आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और आप आसानी से न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड की सीवी भी बना लेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट भी मौजूद है सीवी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कवर लेटर के फॉर्मेट भी मौजूद हैं और उस फॉर्मेट के मुताबिक आप अपना कवर लेटर प्रॉपर तैयार करें और बनाने का तरीकाकार वो होगा जो कि मैंने आपको कवर लेटर वाली वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने कैसे अपना कवर लेटर तैयार करना है और उसमें क्या क्या लिखना है और किस चीज की मदद से आपने अपना कवर लेटर तैयार करना है, वो सारी डिटेल्स आपको उसी वीडियो में मिलेंगी। और वो एक पूरी फुल वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट A to Z मैंने समझाया है कि आप अपने लिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड की सीवी बनाने के लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है तो आप सीवी अपनी यहाँ से बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको और भी बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह मिल जाएंगे, आप वहां से भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है सीवी कैसे तैयार करते हैं, लेकिन ये कि वो सीवी बनाने का तरीका जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी है, यूरोपास स्टैंडर्ड की। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो सीवी आप यहाँ जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ के लिए उस सीवी को ना लगाएं। वो जो मैंने सिखाया है फॉर्मेट वो यूरोपास स्टैंडर्ड की सीवी है, और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं या शेंजन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप यूरोपास स्टैंडर्ड की सीवी को लगा सकते हैं, बल्कि लगाना चाहिए, क्योंकि वो सीवी वहां के लिए ही है। सीवी बनाने का तरीका आखिर में एक दफा फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि सीवी आपने जो बनानी है न्यूजीलैंड के लिए वो आपने इसी साइट से बनानी है, जिस साइट का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस साइट पर आपको हर एक चीज तफसील से मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको किसी किस्म के कोई स्कैम का मसला नहीं होगा। और कवर
लेटर का फॉर्मेट आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। दूसरा, मैंने जो वीडियो बनाई है वो तो एक पूरी प्रॉपर वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कवर लेटर आप एक जबरदस्त किस्म का अपने लिए खुद तैयार कर सकते हैं। और वो कवर लेटर कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड के लिए ही हो, वो कवर लेटर आपका हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ उसमें आपने अपने लिए जॉब पोजीशन चेंज करनी होगी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स वगैरह आपको उसी वीडियो से मिलेंगी। और वो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी, तो फौरन से इस वीडियो पर क्लिक करें और अपने लिए एक तगड़ा सा कवर लेटर तैयार करें। इसके अलावा एक और पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी न्यूजीलैंड के ऊपर कि आप न्यूजीलैंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी मैंने कुछ जॉब पोर्टल्स आपको दिए हैं और गवर्नमेंट की साइट्स भी दी हैं, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें, वो वीडियो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी।